नमस्कार साथियों, मैं मदन धाकड़ मालवा एकेडमी इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं आरएचओ 2016, मतलब हमारी जो आरएचओ 2016 की जो एग्जाम हुई थी उसमें जीएस यानी जनरल साइंस के क्या क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, उसका हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल हैज लेस मेल्टिंग पॉइंट। निम्न में से कौन सी धातु का गलनांक सबसे कम होता है, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होता है? गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर। हमें ऑप्शन के ऊपर भी जाना है और थोड़ा सा इससे क्रॉस क्वेश्चन क्या बनेंगे उससे भी डिस्कस करने वाला है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो भी पेपर आए नेक्स्ट आरईओ के अंदर, आरएचओ के एग्जाम के अंदर, वो इसके ऑप्शन से लिया जाए। सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट अगर होता है तो वो होता है ऑक्सीजन का। सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है। तो ऑक्सीजन तो इसके ऑप्शन में नहीं है। ऑक्सीजन के बाद जो सबसे दूसरे नंबर पे आता है मरकरी यानी पारा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? मरकरी या पारा। इसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है और सबसे कम किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। सबसे ज्यादा अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछे कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, ये होता है टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। टंगस्टन जो कि बल्ब की झिल्ली जो रहते हैं, बल्ब के अंदर एक झिल्ली बनी रहती है टंगस्टन की, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। सबसे कम ऑक्सीजन का, सबसे ज्यादा इसका। लेकिन जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग मरकरी इसका राइट आंसर है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन सबसे कम लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है पारे का। पारे का भी कम होता है लेकिन ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। तो ये हमको थोड़ा सा सबसे कम और ज्यादा याद रखना है, कभी क्वेश्चन इससे कंपेरिजन में आ सकता है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? मरकरी या पारा। अगर सबसे कम पूछे, यहां देखा धातु का गलनांक सबसे कम बोला है, अगर बोला सबसे कम और ऑप्शन में ऑक्सीजन है तो हमको वो लगाना है, उसके बाद दूसरे नंबर पे मरकरी लगाना। सबसे हाई पूछे तो क्या लगाना है? टंगस्टन लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, जल का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? जल का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? तो जल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है पानी का। पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन हमको डिग्री सेंटीग्रेड के अलावा फ़ारेनहाइट में भी पता होना चाहिए। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या है क्वेश्चन का आंसर? राइट आंसर आएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हम डिग्री सेंटीग्रेड में ऑप्शन ढूंढे, तो इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट में कितना आता है? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो ऑप्शन है इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ये क्या होता है? पानी का क्वथनांक होता है। क्या होता है? पानी का क्वथनांक होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का उबलांग बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का हिमांग बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो अभी हमने पढ़ा है पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 मतलब ना तो बॉइलिंग फ्रीजिंग कुछ भी नहीं, 273 अगर केल्विन में बात करें, अगर यही ऑप्शन होता है 273 केल्विन, तो 273 केल्विन मतलब केल्विन स्केल 273 से स्टार्ट होता है, 373 पे खत्म होता है। हमको इतना सा ध्यान रखना है। अब एक चीज और बता देता हूं, वो पूछेगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम क्या होता है? डेंसिटी तो सबसे ज्यादा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सबसे कम क्या होता है? तो सबसे कम जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सबसे कम क्या होगा? हमारा आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। ऐसा क्यों होता है? तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जहां पर डेंसिटी ज्यादा है, जिस टेम्परेचर पर डेंसिटी ज्यादा है उसी टेम्परेचर पर वॉल्यूम सबसे कम रहेगी। तो ये हमने इससे रिलेटेड क्या क्या ऑप्शन है इसके बारे में डिस्कस किया। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोरोलस लिनियस का वर्गीकरण का सिद्धांत है, मतलब जो कोरोलस लिनियस थे उन्होंने कौन से वर्गीकरण का सिद्धांत दिया? प्राकृतिक, कृत्रिम, द्विपक्षी और उपरोक्त सभी आलाब्धिस। नेचुरल, आर्टिफिशियल, बायनोमियल, आलाब्धिस अभाव। अब थोड़ा सा हम बात करें कोरोलस लिनियस, ये साइंटिस्ट थे कोरोलस लिनियस, इन्होंने द्विपद्धति या द्विनामकरण, द्विनामकरण की पद्धति,
दी नामकरण की जो पद्धति थी उसी को आगे बढ़ाया था इन्होंने। अब थोड़ा सा यहां समझेंगे हम, दी नामकरण पद्धति जो दी थी वो किसने दी थी? अरस्तु ने। किसने दी थी? अरस्तु ने। उस पद्धति को मतलब अरस्तु ने बताया था, दी नामकरण पद्धति मतलब जंतु और पादप दो भागों में बांटा था, उसको दी नामकरण पद्धति कहा गया था, जंतु और पादप में बांटा गया था उसको दी नामकरण पद्धति। ये किसने दिया था? अरस्तु को। और इसी का सिद्धांत जो आगे बढ़ाया था वो किसने बनाया था? कोरोलस लिनियस ने बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा द्विपदी मतलब बाइनोमियल नेचर जो है वो किसने दिया था? कोरोलस लिनियस ने इसी प्रिंसिपल को आगे बढ़ाया था। अगर पूछा जाए कि दी नामकरण पद्धति किसने दी थी? अरस्तु ने दी, लेकिन दी नामकरण का सिद्धांत जो आगे बढ़ाया था वो किसने बनाया? कोरोलस लिनियस ने बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है? द इन्वायरमेंटल इंक्लूड, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड रहते हैं? इन्वायरमेंट के अंदर जैविक तथा अजैविक दोनों कारक होते हैं, मतलब बायो और अबायोटिक दोनों ही रहते हैं जैविक कारक के अंदर और अजैविक। पहला है अजैविक, सेकेंड है जैविक मतलब अबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। तो जैविक तथा अजैविक दोनों कारक इसका राइट आंसर है। तो इन्वायरमेंट के अंदर कुछ जैविक भी होते हैं और कुछ अजैविक भी फैक्टर होते हैं, तो दोनों फैक्टर जो होते हैं वो पर्यावरण के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा जैविक तथा अजैविक कारक। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइजोबियम इज अ काइंड ऑफ, राइजोबियम एक प्रकार है। ठीक है, पहला ऑप्शन है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीवाणु है, सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज है या पैरासिटिक बैक्टीरियाज है मतलब परजीवी जीवाणु है या स्पोरस बैक्टीरिया से यानी मृतोपजीवी जीवाणु। तो राइजोबियम जो होता है वो एक सहजीवी जीवाणु होता है। क्या होता है? सहजीवी जीवाणु होता है। इसका जो नाम होता है पूरा इस बैक्टीरिया का, इस पूरे बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम ट्रिप्सी। इस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम ट्रिप्सी। जो बैक्टीरिया होता है जो दाल वाली फसलें दलहनी फसलों के नाइट्रोजन स्थिति फिक्सीकरण का काम करता है, सहजीवी के रूप में रहता है। लेग्यूमिनेसी फसलें जो आती है दाल वाली फसलें उनके अंदर सहजीवी का रिलेशन बनाता है। और जो राइजोबियम है एक प्रकार का बायो मतलब जैविक उर्वरक भी होता है राइजोबियम, एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर भी है राइजोबियम। ठीक है, आगे बढ़ते, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? सहजीवी जीवाणु का एग्जाम्पल है। अगला है क्वेश्चन, रेसिन किस पौधे का उत्पाद है? रेसिन इज अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेप्स, अंगूर, कॉन्फ्रियस यानी शंकुधारी, रबर ट्री यानी रबर और बरगद ट्री के, बनिया ट्री के। तो रेसिन, रेसिन होता क्या है पहले उसके बारे में हम जानते हैं। रेसिन एक लिक्विड गाढ़ा द्रव होता है जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। रेसिन क्या है? एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन द्रव वाला पदार्थ, द्रव वाला पदार्थ। या हम बात करें इसकी कि हमारा गोंद हो गया है लिक्विड के फॉर्म में, तो जस्ट लाइक गोंद के बराबर। अब ये रेसिन जो प्राप्त होता है, रेसिन काहे से प्राप्त होता है? तो रेसिन जो होता है जिन पेड़ों की शाखा या शंकु के लिए यूज किया जाता है अधिकतर, उनके लिए उनसे रेसिन प्राप्त होता है। तो पहला ग्रेप्स, रबर, बरगद, शंकुधारी। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? शंकुधारी, करेक्ट आंसर है। अब शंकुधारी मतलब शंकुधारी जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी छाल से, उनकी शाखाओं से रेसिन की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो गोंद के समान भी होते हैं। तो रेसिन क्या होता है? रेसिन एक हाइड्रोकार्बिक द्रव यानी एक गोंद के समान एक लिक्विड होता है जो पेड़ पौधों की छाल तथा डालियों से प्राप्त होता है। और उस पौधे का, उस टाइप के जो पौधे होते हैं उनको शंकुधारी कहते हैं। और ये पौधे स्पेशल सिर्फ रेसिन की प्राप्ति के लिए लगाए जाते हैं, मतलब बड़े बड़े बहुत ज्यादा शाखाओं में फैले हुए पेड़ रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसके अनुसार मानव एक सामाजिक जंतु है? हु सेड मैन इज अ सोशल एनिमल्स। ये किसने कहा था कि मानव एक सामान्य जंतु है? ये किसने कहा था? पहले साइंटिस्ट है हमारे लास्की, प्लेटो, अरस्तु और रूसो। सबसे पहले कि पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं, फिर इससे रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मानव मनुष्य एक सामान्य प्राणी है या सामान्य जंतु, ये हमारे अरस्तु भाई साहब ने बताया था। ठीक है, अब जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं, जंतु विज्ञान के जनक वो भी किसको कहते हैं?
अरस्तु के कहते हैं, लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस को कहते हैं। ये थोड़ी सी जानकारी हमारे पास होना चाहिए। यहां लिख देता हूं मैं, जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक दूसरा है हमारा जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक। जंतु विज्ञान के जनक और ये जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक ये है हमारा अरस्तु। लेकिन अगर पादप विज्ञान के जनक आए, पादप विज्ञान के जनक, तो जो पादप विज्ञान के जनक थे प्लांट के, वो होते हैं थियोफेस्टस। थियोफेस्टस ये थोड़ी सी हमको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आगे है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, यानी नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, जो प्राकृतिक रबर होता है वो काई का बहुलक होता है। तो जो भी प्राकृतिक रबर रहते हैं वो पहले ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं हम, आइसोरिन, स्टाइरिन, विनाइल एसिटेटिन एंड प्रोपिन। ठीक है, तो जो प्राकृतिक बहुलक होता है वो आइसोपिन का पॉलीमर बनाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आइसोपिन। आइसोरिन जो होते हैं ये बहुत बड़े पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं लंबे लंबे, उनसे मिलकर आइसोपिन बनते हैं, और आइसोपिन जो है वो रबर के बहुलक होते हैं। ठीक है, स्टाइरिन और विनाइल एसिटेट, प्रोपिन, ये जो है ये अलग, दोनों तीन अलग है इससे, तो आइसोपिन है इसका करेक्ट आंसर। अगला है, स्किन आल्सो वर्क एज अ रेसिपिटरी ऑर्गन इज विद द फॉलोइंग एनिमल्स, कौन सा जंतु श्वसन के लिए त्वचा का भी प्रयोग करता है। पहली चीज, रेस्पिरेशन यानी श्वसन के लिए अधिकतर कौन जंतु जो पानी के अंदर पाए जाते हैं वो त्वचा का यानी स्किन का यूज करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कौन सा जंतु श्वसन के लिए त्वचा का भी प्रयोग करता है, मतलब जो रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है वो स्किन से करते हैं। तो अधिकतर जो है पानी के अंदर रहने वाले जंतु, तो अगर दो तीन नाम है, पहले तो उनके मैं नाम बता दूं आपको, इस ऑप्शन में रहे नहीं रहे। पहला है मेंढक, दूसरा है हमारा केंचुआ जिसको अर्थवर्म कहा जाता है, और एक होता है जोंक। ये तीन जो होता है, मेंढक, केंचुआ और जोंक, ये तीनों जो है ये स्क्रीन से रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया जो है इनके त्वचा के द्वारा होती है। हमारे ऑप्शन है पहला है कॉकरोच, दूसरा है मेंढक यानी फ्रॉग, तीसरा है व्हेल और लास्ट है डॉगफिश। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, मेंढक। अगर मेंढक ऑप्शन में नहीं आएगा तो केंचुआ आ सकता है, जोंक आ सकता है, इसलिए हमने तीनों बताए आपको, जो जल तथा थल में, ये तीनों ही हैं जो थल तथा जल दोनों में रह सकते हैं, मेंढक, केंचुआ और जोंक। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, मेंढक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अलोंग द फॉलोइंग कैस हाइड्रोबिस अल्टीमेशन, किसके कारण हाइड्रोफोबिया रेबीज बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया रेबीज बीमारी किसके कारण होती है, विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, या इस प्रकार का एक कीड़ा कीट है मतलब वर्म के द्वारा होता है। तो जो हाइड्रोफोबिया या रेबीज बीमारी होती है वो फैलती तो कैसे, विषाणु से फैलती है। कैसे फैलती है, विषाणु से, वायरस से फैलती है। लेकिन इसके अलावा कैसे होती है, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ते बिल्ली इनके काटने से भी ये बीमारी होती है हाइड्रोफोबिस। ये जो जहां पर जिस पोजीशन पे, जिस स्क्रीन पे कुत्ता काट जाता है, बिल्ली काट जाती है, तो उस घाव के अंदर ये जो वायरस के माध्यम से फिर फैलता है। तो हाइड्रोफोबिस बीमारी जो होती है ये विषाणु से फैलती है, लेकिन ये कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से भी फैल सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, विषाणु। ठीक है, अगला है, 1 ग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल प्रोडक्ट मैक्सिमम एटीपी। मैक्सिमम एटीपी किससे प्राप्त होता है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, या सभी में समान मात्रा से। तो सबसे ज्यादा जो हमारा एटीपी प्राप्त होता है, पहले से तो एटीपी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस यानी माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया के अंदर एटीपी यानी कोशिका का पावर हाउस घर, इसको कहा जाता है एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, सबसे ज्यादा एटीपी कैसे प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा एटीपी
कार्बो हमारी वसा से प्राप्त होता है 9.3 कैलोरी, कितना 9.3 कैलोरी। दूसरे नंबर पे आता है प्रोटीन जिसका 4.5 कैलोरी होता है, फिर आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट जिसका 4.2 से 4.3 कैलोरी प्राप्त होता है। ये आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा किससे होना चाहिए, वसा यानी फैट से, दूसरे नंबर पे प्रोटीन 4.5 कैलोरी, फिर तीसरे नंबर पे कौन आएगा कार्बोहाइड्रेट 4.2 से 4.3 कैलोरी से प्राप्त। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा फैट यानी वसा। अगला क्वेश्चन है हमारा अंदर बेंस विस इंडिया इज फाइन एग्जाम्पल विच द अमोंग द फॉलोइंग इज काइंड ऑफ फॉरेस्ट। भारत के सुंदर वन किस प्रकार के वनों का अच्छा उदाहरण है, जो हमारे इंडिया के अंदर जो अच्छे वन पाए जाते हैं सुंदर वन वो किस प्रकार के वन का एग्जाम्पल, ड्राई फॉरेस्ट यानी शुष्क वन का, डिसिडुअस फॉरेस्ट यानी पर्णपाती वन का, टिंडल फॉरेस्ट यानी ज्वारी वन का, या वेट डिसिडुअस फॉरेस्ट यानी आद्र पर्णपाती वन का। ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे सुंदर वन की, ये सुंदर वन क्या होते हैं। सबसे पहले सुंदर वन जो दिखावट में अच्छे हो एक प्रकार से सुंदरता उसको कहा जाता है ब्यूटीफुल, जिसको सुंदर कहा जाता है वो वाला ब्यूटीफुल नहीं। सुंदर वन जो होते हैं ये जो कहां पाए जाते हैं, ये नदी वालों भाग के किनारों, जैसे बड़ी बड़ी नदियों के साइड में बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं जो कि जिनकी जो शाखाएं रहती है डालियां रहती है बहुत ज्यादा मजबूत होती है, या जो जहां पर डेल्टा बनता है नदियों का डेल्टा बनता है वहां उस इलाके में पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं टिंडल फॉरेस्ट या ज्वारी वन। ज्वारी वन का दूसरा नाम होता है हमारा सुंदर वन। तो अधिकतर ये कहां पाए जाएंगे नदी नदी या बड़े बड़े समुद्र के आसपास जो पाए जाते हैं वन, उन वन को हम क्या कहेंगे टिंडल वन कहते हैं या ज्वारी वन या सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है इनकी शाखा बहुत मजबूत होती है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा टिंडल वन। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द वेट ऑफ द पर्सन विल बी मिनिमम, जिस व्यक्ति का भार सबसे कम होता है, किस स्थान पर व्यक्ति का भार सबसे कम होता है। देखते हैं पहला ऑप्शन है हमारा विनस, मार्स, मून और मरकरी। अब यहां पर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन अलग है, विनस हमारा प्लेनेट है, मार्स हमारा प्लेनेट है, मरकरी हमारा प्लेनेट है, क्या चंद्रमा प्लेनेट है? नहीं, चंद्रमा एक सैटेलाइट है, जो पृथ्वी एक हमारा अर्थ जो है वो एक ग्रह है प्लेनेट है, उसका उपग्रह कौन है चंद्रमा, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है चंद्रमा। सबसे पहले बता देता हूं मैं, अगर अर्थ पे कोई वेडी है तो हमारा वेट कैलकुलेट करते हैं हम डब्ल्यू इजिकल टू एम जी से, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, वेट इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यही बात अगर मैं चंद्रमा पे करूं तो चंद्रमा पे हमारा वेट कितना हो जाता है मून पर डब्ल्यू माई सिक्स। एग्जाम्पल अगर मेरा वेट यहां पर 60 न्यूटन का है तो यहां पर कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 6, मतलब यहां में कितना रहा 10 न्यूटन, मतलब इतना हल्का महसूस करूंगा। तो चंद्रमा पे जो हमारा वेट है वो डब्ल्यू बाई सिक्स हो जाता है। बाकी चीज दूसरी चीज और मैं बताता हूं, जहां पर जी का मान कम, जी मतलब होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण, जहां जी का मान कम प्राप्त होगा वहां पर भार कम होगा, क्योंकि हमारे अर्थ पे हम समझते हैं थोड़ा सा, एक होता है भूमध्य रेखा, एक होता है भूमध्य रेखा और एक होता है ध्रुव। यहां पर जी का मान थोड़ा कम होता है, यहां पर जी का मान थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो जहां जी का मान ज्यादा होगा वहां हमारा वेट ज्यादा होगा, जहां जी का मान कम होगा वहां वेट कम होगा। तो भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है मतलब हमारा वेट, यानी इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं, इसको पोल कहते हैं। तो वेट कहां पर कम होगा अगर अर्थ पे बात करें तो अर्थ पे कम वेट कहां पर होगा इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर, और ज्यादा वेट कहां पर होगा पोल के ऊपर। तो इसी टाइप से बाकी तो हमारे सारे प्लेनेट है, शुक्र प्लेनेट है, मंगल प्लेनेट है, और बुध यानी मरकरी भी प्लेनेट है, और ये हमारा एक अलग ऑप्शन था, ये क्या है सैटेलाइट, और सैटेलाइट पे कितना हो जाता है डब्ल्यू बाई सिक्स, मतलब काफी हल्का महसूस होता है, तो सबसे कम होता है यहां पर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है द शेप ऑफ द रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू, वर्षा की बूंदों का आकार गोल होने का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है विस्कोसिटी, दूसरा है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठीय तनाव, थर्ड ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी प्रत्यास्थता, लास्ट ऑप्शन है हमारा ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्व। वर्षा की बूंदे यानी रेन ड्रॉप जो है वह स्फेरिकल दिखाई देने का जो रीजन होता है वो होता है सरफेस टेंशन। एक चीज और बता देता हूं कि जो पृष्ठ तनाव का गुण होता है,
पृष्ठ तनाव का गुण, पृष्ठ तनाव का गुण काय में पाया जाता है, ओनली ओनली द्रव यानी लिक्विड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो जो स्पेरिकल इसका इसका आंसर आएगा, श्यानता क्या होती है, द्रव का गाढ़ापन, लिक्विड का कोई गाढ़ापन, जैसे मैंने चाशनी हो गया, शहद हो गया, ये क्या है, जस्ट लाइक विस्कोसिटी इसका एग्जांपल। ठीक है, इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता क्या होती है, किसी भी वस्तु का खींचना, जैसे रबर का खींचना, स्प्रिंग का खींचना, उसके अंदर इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता यानी तन्यता आ जाती है, तो वो ग्रेविटी यानी गुरुत्व पे डिपेंड है। तो ये थे हमारे 2016 तक के क्वेश्चन, जो आरएचओ 2016 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, मेरे को जहां तक लगा होगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो अगले जो वीडियो में मैं आपको और भी साइंस के क्वेश्चन जो भी रिलेटेड एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।